और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत कानपुर की खबर के साथ करेंगे और सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है, तो कानपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है। पल भर में खाक हो गई है झोपड़ी और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीर देखिए सिलेंडर फटने से किस तरह से ये आग लगी है और आग कितनी भीषण है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे इस पूरे हादसे की। पल भर में झोपड़ी पूरी तरह से खाक हो गई है, स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने के काम की जा रही है और मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे, जहां सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है, झोपड़ी पूरी तरह से राख हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी भयावह आग है वो भी देखिए। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो तस्वीर देखिए सिलेंडर फटने की वजह से किस तरह से भीषण आग लगी है, आप देख सकते हैं पूरी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि जो ग्रामीण वहां मौजूद है उनके द्वारा ये आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से आग की लपटें उठ रही है और कितनी भयावह ये आग है। सिलेंडर फटने से ये भीषण हादसा हुआ है, भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग होगी। पूरी झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी निकलकर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है, पूरी झोपड़ी जलकर इस आग में राख हो गई है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आग कितनी भयावह है उसकी लपटें देखिए और आग की वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। महाराजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां भीषण आग लगने की वजह से एक झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है। सिलेंडर फटने की वजह से यह आग लगी है, लगातार वहां जो ग्रामीण मौजूद हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिए कितनी भयावह आग है, आग की लपटें किस तरह से उठ रही है, पूरी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। ग्रामीण मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और आग बुझाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है, आग से गांव में हड़कंप है, हर तरफ सनसनी मची हुई है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। और अधिक अपडेट के साथ दीप त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीप, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो अभी हमारे पास इनपुट है उसके मुताबिक आग पर कोशिश पाने की जो कोशिश है लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, क्या जानमान का नुकसान हुआ है? देखिए, आग के अचानक घर में खाना बन रहा था और अचानक से सिलेंडर फट जाता है, जिससे जो झोपड़ी है आग की चपेट में आ गई थी और पल भर में ही झोपड़ी आग जल के खाक हो गई। साथ में एक और झोपड़ी जो बगल बनी थी वो भी आग की चपेट में आने से जल गई है और सूचना तुरंत तत्काल ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है और आग को बुझाने का प्रयास कर लिया गया है और कई तो आधे से पौन घंटे में आग को काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जो घर में सामान रखा था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। बस राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दी। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से आग लगी है, फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है।